अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है। वो एक का मशहूर कहावत है कि मेरे अंदर का मौलवी उस वक्त जागता है जब मैं किसी दूसरे को गुनाह करते देखता हूँ। तो आज ना हुआ ये है कि गुजरांवाला में एक प्रैंकस्टर को पकड़ा गया, और उस प्रैंकस्टर का फ़कत ये काम था कि लड़कियों को वो कहता था कि सर आप दुपट्टा पहने तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। मुझे समझ ही नहीं आई इस चीज़ की। इस्लाम तो एक बड़ा जो है ना एहतराम के दीन है, एक दूसरे को बड़ा रिस्पेक्ट के साथ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अगर एक हुक्म होता ना तो वो सबको आम जबरदस्ती से करा सकते थे। कई मुकामात थे जहाँ पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा कि आप कहें तो इन दो बस्तियों को मिला दें, तो हजूर पाक ने कहा नहीं, ये जानते नहीं, ये समझदार नहीं, समझ नहीं है। फिर और वाकया है कि जनाब एक बुढ़िया का वाकया है कि वो रोज़ फेंकती थी जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरते थे तो उसमें उनके ऊपर गन फेंकती थी। एक दिन वो नहीं फेंका तो हजूर पाक उसके पास चले गए और जाके उससे उसका हालचाल पूछा। वो उस इस रवैये से इतना मुतासर हुई कि वो दीन इस्लाम ले आई। अब कई लोग इस वाक़े को कहते हैं ये ठीक है गलत है, मैं इस बहस में जाते नहीं। फ़कत मकसद इससे ये लेना था कि इतना तो पता ना कि हजूर पाक की हस्ती कितनी रहम दिल थी और कितना उन्होंने एतमाद के साथ लोगों के दिल जीते। वो चाहते तो एक हुक्म के इशारे पे क्या कुछ नहीं कर सकते थे। कितने मौजजात थे, उन्होंने कितने मौजों से किया, मौजे नहीं उन्होंने दिखाए, उन्होंने अपने अमाल अपने अमल से दिखाया, अपने अमल से लोगों को मुतासर किया। आप अगर ज़बरदस्ती इस तरह से करेंगे तो सर अगला तो जिंदगी में आ जाएगा, मैंने तो दुपट्टा पहने ही नहीं। तो ये जो आप इस्लाम से कह रहे हैं ना, ये तो सबसे बड़ी बात है। कहते हैं ना आपका से जो कि नहीं तो फिटे मुँह गोटे था, हमारा यही है कि हमने खुद तो ठीक होना कोई नहीं, दूसरों को ठीक करते रहना, हम अपनी गलतियाँ ठीक रहती हैं। तो कहीं मैंने कॉल भी सुना था, बहरहाल एक मुझे वो याद नहीं तो मैं इसलिए उसको कोट नहीं करूँगा। तो बेहतरीन अलबत्त बेहतरीन इंसान वो है जो जिसको अपनी गलती अपने गुनाहों की इसलाह करने से फुर्सत ही ना मिले ताकि वो दूसरों को देख ही ना सके। तो सर हम बजाय दूसरों को ठीक करने के ये क्या कह रहे हैं? तो सर दिस इज आई एम सीरियसली डिसअपॉइंटेड। अच्छा हुआ पुलिस ने पकड़ के उसको अरेस्ट कर दिया, वरना भाई का जो काम था ना वो है यही। अब आप इसे हिसाब लगाएं कि लोग कहेंगे कि यार ये तो कोई कितनी बेहयाई हो गई है कि जनाब एक बंदा जो तबलीग कर रहा है, जो दुपट्टा पहना रहा है, उसको फोटो उठा गया। तो सर आपकी सोच पे क्या कहूँ मैं आपको, सर मैं क्या कहूँ? क्यों? क्योंकि हम अगर एक समझे वो क्या था कि आप ऐसे ज़बरदस्ती करेंगे तो सर कोई दुपट्टा नहीं पहनेगा, बल्कि जिद में आगे ये पड़ा दुपट्टा मैंने तो पहना कोई नहीं। और आप इतने बड़े नहीं कि तो आपको क्या चाहिए, आप अपने अमाल से अगले को मुतासर करें, अपने अमाल से बताएं, अपने घर वालों के अमाल से बताएं, बजाय आप खुद करने के आप दूसरों को इस्लाम सिखा रहे हैं। इस तरह अगर लोग आपसे बात मानेंगे, इस तरह से लोग करेंगे, और वो आप खुद वीडियो में दूसरों की इतनी तोहीन कर रहे हैं, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है तजलील करने की? इस्लाम तो हर एक मोमिन इंसान की इज्जत की इतना एहतराम करता है, इतना एहतराम करता है कि हर मोमिन की इज्जत पता नहीं क्या है। तो आप तो उसकी इज्जत नहीं कर रहे, आप उसको मीडिया पर जलील कर रही हैं चीज़ को दिखा के। तो इस तरह से करके आप एक अच्छे इंसान हैं? आप तो खुद दूसरों की किरदार कशी करने वाले इंसान हैं। मैं तो कहता हूँ मैं तो बड़ा अच्छे की पुलिस ने आपको पकड़ लिया, लगाया ज़रा फेंटी, फिर आपको पता चले कि जनाब आप यह हरकतें कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल।